समय हॉस्पिटल में दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हिस्टेरेक्टोमी, रसौली, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट पित्त की थैली, हर्निया जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज होते हैं दूरबीन विधि द्वारा। 24 घंटे एक्सरे की सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से लैस समय हॉस्पिटल, गिरिराज पेट्रोल पंप के पास, रामबाग, आगरा। आज सूरसदन प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। सभी विधायकगण यहाँ मौजूद हैं कार्यक्रम में, सांसद भी मौजूद हैं, तमाम सारी जनता है जनपद की। मेरे साथ में वर्तमान में मेयर आगरा नवीन जैन साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आज स्थापना दिवस समारोह है और क्या उद्देश्य है? देखिए, 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ था। आज 68 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को कि उन्होंने एक नई पहल की और उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यालयों में स्थापना दिवस मनाने का आह्वान किया। आज उसी के तहत आगरा जिले में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया है, सूरसदन में आयोजित हुआ है। आज इस अवसर पर जो आगरा के डेवलपमेंट और विकास कार्य हो चुके हैं उनका लोकार्पण भी हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस अपना शहर स्मार्ट सिटी के रूप में आ चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आगरा को सुंदर और उन्नति के मार्ग पर हम लोगों को ले जाना है और उसी की शुरुआत हमने एक लोगो स्मार्ट सिटी का लॉन्च किया है। स्मार्ट सिटी की वेबसाइट लॉन्च की है और उस वेबसाइट में जो भी हमारे विकास से संबंधित कार्य होंगे, स्मार्ट सिटी से संबंधित जो भी हमारी योजनाएं होंगी, वो सभी योजनाएं जनता को दिख सकें। वेबसाइट में हम समय समय पर उसको अपडेट करते रहेंगे, डालते रहेंगे। और मेरा आगरा शहर की जनता से अनुरोध है, उस वेबसाइट को भी अवश्य देखते रहें। अगर कोई ऐसा लगता है उनके सुझाव की कोई ज़रूरत है तो वह सुझाव मुझ तक भी वो पहुँचा सकते हैं, जिससे स्मार्ट सिटी में उन सुझावों को शामिल किया जा सके। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, यहाँ एक बहस से छिड़ी हुई है, स्वतंत्रता सेनानी जो है उन्होंने बोला है जो नेताओं के बारे में, नेताओं की जो कहीं ना कहीं एक छवि बनी हुई है, उस हिसाब से उन्होंने बोला कि नेता नेता नहीं रहा है, नेता लेता हो गया है, तो उसके बारे में आप क्या? देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि देश में अभी तक जो शासन रहा वो कांग्रेस के, अधिकांश समय कांग्रेस के लोगों ने शासन किया है और कांग्रेस के समय में जितना भ्रष्टाचार केंद्र प्रदेश में हुआ है किसी भी सरकारों में नहीं हुआ। उनकी ये पीड़ा थी। मेरा इसके अलग भी ये कहना है कि नेता ठीक है, लेने वाले भी नेता है, लेकिन ईमानदार नेता भी हैं, ईमानदार जनप्रतिनिधि हैं, ईमानदार सांसद भी हैं, ईमानदार विधायक भी हैं। और मुझे ध्यान आ रहा है एक देवरिया के रामस्वरूप जी विधायक रहे 3 बार के, वो अपनी परिवार को जीविका चलाने के लिए हजरतगंज लखनऊ में चाय की दुकान चलाते हैं, चाय बेच के अपना गुजर बसर करते हैं। तो सभी नेता बेईमान है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, सभी नेता ईमानदार है मैं ये भी नहीं मानता हूँ, लेकिन सबका सबको एक ही डंडे से हाँकना वो भी उचित नहीं है। नेता आज भी जनता के दुख दर्द में आता है, प्रातः 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक नेता अपने जनता में जनता की समस्याओं को सुनकर उसको समाधान करने का हल करता है, उनको अपनी गाड़ियों में बैठा कर समस्या को समाधान कराने के लिए अधिकारियों के पास ले जाता है, उनको अपने घर पर 25, 50, 100, 200 लोग आते हैं, चाय पानी आदर सत्कार भी करता है, अपनी जितनी पैसा खर्च करता है। तो नेता जितनी मेहनत करता है और उतनी मेहनत कोई नहीं करता है, लेकिन नेता जो बेईमान और भ्रष्ट हो चुके हैं उन्हें भी अब सुधरना चाहिए। अब जनता ईमानदार नेताओं पर दाव लगाना चाहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 3.5 वर्ष के शासन में नेताओं के प्रति भी अब विश्वास जम रहा है। जो नेताओं की परवासा खराब हो गई, बेईमान भ्रष्ट, आज 3.5 वर्ष के बावजूद भी आज तक भारत सरकार के किसी मंत्री पे, उत्तर प्रदेश के अपने हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य पे कोई आरोप विपक्ष का भी नहीं लगा पाया है। एक चीज़, एक सवाल और मेरे जहन में है, क्योंकि आप मेयर हैं,
आगरा में कहीं ना कहीं एक चीज़ देखी जा रही है, जो डस्टबिन वितरित किए जा रहे हैं पार्षदों के माध्यम से, उन पे जो अशोक स्तंभ का जो फोटो लगा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक छवि जा रही है, उसको किस तरीके से आप प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द जो अशोक स्तंभ की वो स्टिकर है वो हटवाई जाए। देखिए, मेरा इसमें ये कहना है कि डस्टबिन प्रत्येक घर में परिवार में हम भिजवाने का काम कर रहे हैं, एक सूखा कूड़े के लिए, गीले कूड़े के लिए। उसमें अशोक का जो चिन्ह लगा है वो मुझे लगता है कोई हमारे यहाँ भी देशभक्त बहुत ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा देशभक्ति, लेकिन समझना चाहिए कि जो कूड़ा का डस्टबिन है उस पर अशोक का चिन्ह नहीं लगना चाहिए। वो गलत है, वो गलती हुई है, भूल हुई है हमारे किसी अधिकारी से, और उसे हम चेंज कराने का काम कर रहे हैं। अब नवीन आगरा बनाने के लिए किस तरह का प्रयास हो रहा है, क्योंकि आप निरंतर कहते रहे हैं अपने जिस भी बैठक में गए हैं या फिर तमाम जनता के बीच में गए हैं, तो नवीन आगरा बनाने का प्रयास किस तरीके से? देखिए, मैंने कहा था अगर मैं निर्वाचित हूँगा तो मैंने क्लीन आगरा, नवीन आगरा बनाने का नारा दिया था, और दिशा में मैंने प्रारंभ किया है काम। अभी मुझे 1.25 महीना हुआ है, और 1.25 महीने के अंदर स्वच्छता के क्षेत्र में, क्लीन आगरा बनाने के क्षेत्र में जो मैंने कार्य किए हैं, आप आगरा की जनता से पूछ सकते हैं, पूरे शहर में क्लीन आगरा की एक चर्चा हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि हाँ, क्लीन आगरा का काम प्रारंभ हो चुका है। आज लोग सफाई के क्षेत्र में जो कार्य नगर निगम के द्वारा किए जा रहे हैं उससे प्रसन्न है। आज जगह जगह दुकानों पर चर्चा, मोहल्लों में चर्चा, कॉलोनियों में चर्चा, सब जगह अगर कहीं चर्चा आज हो रही है तो सफाई की चर्चा हो रही है, अगर कहीं चर्चा हो रही है तो क्लीन आगरा की चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे लिए फीडबैक बहुत अच्छा जनता का मिल रहा है, और जनता का ऐसे ही मुझे आशीर्वाद रहा तो अब वो दिन दूर नहीं है जब हम आगरा को क्लीन भी बनाएंगे, आगरा को ग्रीन भी बनाएंगे, आगरा को नवीन भी बनाएंगे। ये मेरा प्रयास जारी रहेगा। शुक्रिया, आप प्रयास जारी रखिए, और आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने का जो प्रयास है आपका वो सफल हो हम उम्मीद करते हैं। अर्थ न्यूज से चर्चा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने मेरे साथ में मेयर आगरा नवीन जैन, जिन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और आगरा को स्मार्ट सिटी, आगरा को बेहतर से बेहतर सिटी बनाने का और प्रदेश को उत्तम सिटी बनाने का आपने बात कही है। उम्मीद करते हैं कि इनके जो विचार हैं वो सफल हो पाएंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ। घर को बनाना है खास तो चले आइए गोयल पेंट के पास। दीपावली पर दीवारों को सजाना है, कमरों को आकर्षित बनाना है, घर में मेहमान आए तो बोले कहाँ से कराया पेंट, कौन सा पेंट, कैसे चमक रही है दीवारें, वाह क्या खूबसूरत वॉलपेपर है, ये कर्टन कहाँ से लाए हो। ग्राहकों के लिए विश्वास का दूसरा नाम बन चुके गोयल पेंट ने 40 सालों में लाखों घर सजाए हैं, वो भी काफी कम दामों पर। तो जल्दी करें और सीधे चले आए गोयल पेंट, सुल्तानगंज की पुलिया, बाईपास रोड, आगरा पर। निदेशक मुरारी लाल गोयल, मोबाइल नंबर 9897135351।